अच्छा वहाँ भाई, एक ये बता दें, जो आपने रोटेशन पॉलिसी मुतारिफ कराई है, क्या ये कप्तान पे लागू होगी या कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स पे होगी? जहाँ तक रह गई रोटेशन पॉलिसी की बात, देखिए वर्कलोड मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक वर्ल्ड कप से पहले हमारा नसीम शाह का इशू हुआ, उसके बाद शाहीन को भी हम देखते रहे कि उसको रिसेंटली उसको इंजरी से वो आया और वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है। सो यू नो वी हैव टू कीप आवर बॉलर्स फ्रेश फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज वी वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और ये वो बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी जो दुनिया के क्रिकेट में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट है। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो शाहीन शाह अफरीदी का नाम सारे फहरिस्त होता है। तो यू नो वी हैव टू सेव आर प्लेयर्स और इस रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी बैठेंगे और बैठ सकते हैं। ये पॉलिसी सब प्लेयर्स के लिए है इंक्लूडिंग द कैप्टन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट में रोटेशन पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। रोटेशन पॉलिसी का असल मकसद यह है कि एक प्लेयर्स को कुछ मैचेस खिलाकर उस प्लेयर की जगह दूसरे प्लेयर को खिलाया जाएगा। रोटेशन पॉलिसी का फायदा यह होगा कि एक प्लेयर को कुछ मैचेस खिलाकर रेस्ट करवाया जाए ताकि वो T20 वर्ल्ड कप तक फिट रहे, और रोटेशन पॉलिसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को आजमाया जाएगा। मजीद क्रिकेट की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड क्रिक इन्फो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।